अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। मैं नीचे आऊँ, मैंने कहा कि नाश्ता वाश्ता कर लूँ मैं। सो खैर, आज का ब्लॉग ये है कि मेरी मामा जो है वो यहाँ पे आ रही हैं वुल्फ क्रू के हाउस में फॉर द फर्स्ट टाइम। सो या आपको देखिएगा लाजमी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब तो 3 लाख होने वाले हैं, प्लीज़ यार जल्दी से कर देती। सो यार सीन ये हुआ कि अली भाई का फिर से ब्रेकअप हो गया। तो अली भाई स्टोरी बता क्या हुआ। ये नहीं डालना। मैं डालूंगा। अच्छा बताए ना, चले आपको अली भाई मेरी कसम है, बताए अब बताना पड़ेगा। अब बताओ, एक तरफ लड़की है, एक तरफ एक तरफ प्यार, एक तरफ दोस्ती। एक तरफ दोस्ती। अब बताए क्या हुआ। वैसे प्यार सबसे आगे है, लेकिन फिर भी बता दे। हुआ ये है कि अभी अभी मैंने मैं वो गाना सुन रहा था, मेरा नाम मैरी है। गाने मैरी में जो शुरू में आता है वो कहता है कि दुनिया बड़ी जालिम है मास्टर, दर्द पे हंसती है। अच्छा, तो वो उसका मैंने सुन के मुझे जोश आया, जल्दी जल्दी मैं उठा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दी। अच्छा फिर अब फिर कहीं बैंस की तो एक्सीडेंटली वो कोई फरियाद प्ले हो गया। कोई फरियाद दबी हुई थी मेरे दिल में, फिर मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया। क्या करेक्टर अली भाई, लूडी बंदर, लूडी को मेरा आंसर मिल गया ऑलरेडी। सो आपको यहाँ से स्टोरी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि अली भाई मना रहे हैं लिदा को कि शादी कर लो मेरे से और तुम मेरे साथ कनाडा जा सकती हो। आगे देखें। मैं तो पैसों के लिए गया। आपको क्या लगता है अली, अगर मुझे वीजे की जरूरत होती ना, मेरी मामा ने मुझे 5 रिश्ते ऐसे दिए थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लड़के थे, जो वेल सेटल्ड थे, वहाँ पे मैंने शादी नहीं की। वो लड़के कह रहे थे रिदा को प्लीज, रिदा प्लीज। मुझे नहीं आए थे वो मामा, जैसे प्रॉपर रिश्ते आते हैं। मामा के लिए आए थे। मामा मुझे कह रहे थे लड़के, मतलब वो जैसे प्रॉपर चैलेंजेस आंटी के खिलाफ। मेरे पास भी चाय है, ऐसा ही नहीं। अच्छा लेकिन क्या, तो तुमने मना कर दिया होगा सबको? Because I didn't want to get married. और अरेंज मैरिज मैंने करनी नहीं थी, मैंने सिर्फ से मामा को बोल दिया था। मैंने अरेंज मैरिज में क्या मसला है यार, अरेंज मैरिज में ऐसा। I don't want to, like, मेरी थिंकिंग ऐसा, मेरे फैमिली को बहुत इशू था इस चीज से। मैं शुरू से ये कहती थी, जब से मैं कॉलेज वॉलेज में गई थी ना, मेरे रिश्ते वगैरह देखने शुरू किया, मैंने कहा नहीं मैं लव मैरिज करूँगी। अरेंज मैरिज द प्रॉब्लम विद अरेंज मैरिजेस, अगर आपने शादी करनी है, कुएं में छलांग मारनी है, तो ऐसे कुएं में मारो जो आपको पसंद है। वो सामने कुआं। रिदा अपना कुआं ढूंढ चुकी है। अच्छा, रिदा छलांग भी मार चुकी है और 2-3 दफा यकीन कर ढूंढ भी चुकी है। बड़ी मुश्किल से इसको बाहर निकालना पड़ता है, ये डूब जाती है। ये कॉन्फिडेंटली यूं करके जब मारती है, तो यूं करके, और कहती है मुझे स्विमिंग भी आती, कोई नहीं आती। मामा हाशिर क्या कहेंगे, मामा ने आती है, मामा ने आती है। मैं लगी हूँ काम करने, मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती। बहुत अच्छी आती है, किसने कहा नहीं अच्छी आती है। नहीं अभी नीचे के मास्क बेटा नहीं आएगी अच्छी, मुझे पता है ना। बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा जो देख रहे हो बताए। अच्छी आ रही है, आप बहुत सुंदर सुशील लग रही है। अच्छा आपने उम्र में आपने प्यारा लग के भी क्या करना है, अबू तो खा रहे हैं। पागल, लोग कहेंगे कि इसकी माँ ऐसी चबरसी है। नहीं 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 नहीं, लोग नहीं, लोग ना मशहूर मेरा बच्चा और उसकी माँ कैसी लगेगी। नहीं ये बहुत प्यारी लग रही है।
पहले आप वही दे रहे हैं, न्यायाधीश आपको बताता हूँ। सर अच्छा आपको कैसे लग रहा है मैं यहाँ पर? हेलो बच्ची हाउ आर यू? अच्छा बताएं वो न्याय साहब कैसे कर मिस कर रही हूँ आप अपने आपे पति परमेश्वर पति परमेश्वर पति पति अच्छा हस्बैंड हस्बैंड अच्छा आप बताएं मेरे से मिलने आई हैं आप? कितना टाइम दिया मैंने आपको? देखिए चार दिन से आपके मैं पाँव दो बाहर हैं देखे मैं नहीं नहीं तो मैं दोबारा हूँ चार दिन से थैंक यू बहुत ज़्यादा सच्ची बात मैं तो मानो से मिलने आई अच्छा ये इतना प्यार देती है मुझे मेरे से नहीं मिलने यार बड़े मजे का रहा लेकिन मैंने तीन दिन ना बन कबाब खाया कल मेरे से उल्टी होगी ब्रो प्याज बन कबाब निकला यही होता है जो आप 70 रुपया खाना खा के सस्ते बनते हो बिरयानी मैंने खाई थी एक दिन बिरयानी से मैं इंप्रेस नहीं हुआ लेकिन बिरयानी से याद है ब्रो मैं फूड पैंडा खोलता था 200 रेस्टोरेंट थे जिनमें से 100 बिरयानी 100 पिज्जा और काम ही नहीं कराची वालों को पिज्जा और बिरयानी के अलावा। तो यार सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं फार्म हाउस पे क्योंकि हमने वहाँ पे एक अदद नहीं काफी अदद हमने जो है एक अदद नहीं काफी अदद हमने जो है वो मुर्गियाँ वहाँ पे रखी हैं। बताए आपको तो पता ही नहीं है ये शाहिद जाफरी शाह हम लोग वैसे अपनी मुर्गियों का नाम क्या रखेंगे? चिक्स हॉट चिक्स हॉट चिक्स और वो हॉट इसलिए क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है तो इसलिए we call them hot chicks, otherwise there is no other, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है आपकी गलती है। सर्दियों में कूल चिक्स हो जाती है ना। सो आपको दिखाते हैं जाके अपनी मुर्गियां यार आज बे प्यारे लग रहे हो व्लॉग में भी आएंगे व्लॉग के लिए तैयार व्लॉग के लिए तेरे अलावा सब तैयार हो बता देना पहले YouTube पर मुझे दे देना अच्छा सुनीता हां मैं आ रहा हूं ब्रो यार शरीर की बारी बताए सेम ब्रो So we got, I don't know if you guys remember, like I vlogged it. Hum log aaye the ya main kehta we are planning to get like chickens. Chicken. And, we got them 2 months ago, so we're just going to check the size now. Idhar aao. Parde mein rehne do, parda na uthao. But, ooh! Oh, damn, bro. Kuch actually cute hai, yaar. Main aise nahi keh raha. Kuch actually bahut cute hai. Chicken farming. We're gonna have them lay eggs. We're gonna eat the eggs, and we're gonna eat the hens. Yeah. Good talk. चढ़ तो गए थे अब. सवाल ये है कि उतरना किस तरह? उतरना मुश्किल है. उतरने का दिल नहीं करता. शायद टर्न लेते 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 यूटर्न ना हो जाए. अभी लाजो लाजो आओ. ये तो शाहरुख खान वाला ना अमरेश पुरी नहीं अमरेश पुरी वाला अच्छा अमरेश पुरी वाला शाहरुख खान वाला आओ आओ आओ
oh